तो फाइनली दोस्तों आपके सामने भी आ चुका है TVS Raider 125 2023 वाला मॉडल, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एक पूरे ही तरीके से कलरफुल TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जैसे कि अभी आपके सामने है, जैसे कि देख ही सकते होंगे। और इसके ही बारे में आगे हम लोग इसी वीडियो के अंदर बात भी करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो जैसे कि दोस्तों अभी आप लोग देख ही सकते होंगे, आपके सामने अभी है वीडियो के अंदर TVS Raider 125 2023 वाला मॉडल, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एक पूरे ही तरीके से कलरफुल डिजिटल TFT डिस्प्ले वाला एक मीटर कंसोल, और उसके ही साथ साथ इसके अंदर आपको कई सारा कुछ फीचर्स देखने को मिलने वाला है। तो इसी वजह से आपको मैं पहले वही सारा कुछ फीचर्स के बारे में बता दे रहा हूँ, और उसके बाद जाके आगे हम लोग तो बात करेंगे ही। तो मुद्दे का बात जो है तो वो है कि अब ये 2023 वाले TVS Raider 125 के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है जो ये TVS का स्मार्ट एक्स कनेक्ट जो है, तो वो वाला फीचर, और उसके ही साथ साथ इस वाले मॉडल के अंदर आपको एक अलग से बटन देखने को मिलेगा दिया हुआ है इसी मॉडल के ही, मतलब इस वाले बाइक के ही ये हैंडल बार में, मतलब ये देख ही सकते होंगे इसी बाइक के ही ये लेफ्ट वाले हैंडल में एक छोटा सा आई बटन दिया गया है, जो की है वॉइस असिस्ट वाला एक फीचर का ये बटन, और मतलब की इस वाले बाइक के अंदर आपको वॉइस असिस्ट वाला जो फीचर है तो वो भी देखने को मिलेगा। और उसके ही साथ साथ इस वाले बाइक के अंदर आपको एक USB चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिलेगा। बाकी तो भाई इसी 2023 वाले TVS Raider 125 के अंदर आपको जो सबसे ज्यादा हाइलाइटेड वाला एक जो पार्ट देखने को मिलेगा दिया हुआ कंपनी की तरफ से, तो वो है इसका अभी एक न्यू मीटर कंसोल, जो कि एक कलरफुल TFT डिस्प्ले वाला मीटर कंसोल है। और जैसे कि देख ही सकते होंगे ये वाला जो मीटर कंसोल है ना, तो इसका दो थीम है, मतलब कि देख ही सकते होंगे इसी मीटर कंसोल के अंदर आपको ये जो ब्लू कलर देखने को मिलेगा ना, मतलब ब्लू कलर के अंदर जो ये थीम आपको एक देखने को मिलेगा, तो ये है इको मोड का, और एक है रेड कलर का जो की है स्पोर्ट टाइप एक जो मोड है तो उसका ही। और बाकी भाई इस वाले मॉडल के अंदर आपको जो नेविगेशन वाला फीचर्स है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला जो फीचर्स है, तो ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा विद फोन कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट और ईमेल वगैरह जो भी है, तो ये सारा कुछ के साथ। और इसके ही साथ साथ भाई इस वाले मॉडल के अंदर आपको जो ये लाइट्स का सेटअप जो देखने को मिलेगा, मतलब DRL से लेके ये हेडलाइट से लेके और टेल लाइट तक, तो ये सारा कुछ आपको लगभग LED के ही अंदर अंदर देखने को मिलने वाला है। और इसके ही साथ साथ इस वाले मॉडल के अंदर आपको जो ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, मतलब कि स्पेशली ये येलो कलर वाला मॉडल के अंदर, तो वो है सामने के चक्के में डिस्क ब्रेक विद ये जो कॉम्बी ब्रेकिंग वाला सिस्टम है, तो वो ही। और इसके ही साथ साथ इस वाले मॉडल के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये जो सस्पेंशन सेटअप, तो देख ही सकते होंगे सामने है इसी बाइक का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे है मोनोशॉक एब्जॉर्बर। और इसके ही साथ साथ इस वाले मॉडल में आपको देखने को मिलने वाला है जो इंजन, तो ये एक 125cc वाला एक एयर कूल प्लस ऑयल कूल वाला ये इंजन आपको देखने को मिलेगा, जो की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 11.2 BHP, और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है तो वो है 11.2 Nm। बाकी 5th speed के ही मैनुअल गियर बॉक्स आपको देखने को मिलेगा इसी बाइक के ही इस इंजन के साथ। बाकी तो भाई देखो ये जो मॉडल का ये जो वीडियो है आज का, तो ये एक फास्ट लुक वाला वीडियो है, वैसे इस वाले मॉडल का एक डिटेल्ड वीडियो जो है रिव्यू वाला, तो वो आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है इसी चैनल पर। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल देना, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप नया नया वीडियो हर दिन देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगा दोबारा, थैंक यू गाइज़।